हेलो एंड वेलकम टू माय की प्रेडिक्शन। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले, एंड सेकेंडली अब रात के बज रहे हैं 1:40। सो चलो दिवाली स्वीट बनाना शुरू करते हैं। ये नो कुक रेसिपी है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप कोकोनट का कोबरा किस या कोकोनट पाउडर बोल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने उसमें मिल्क पाउडर डाला है, और ये अराउंड एंड अराउंड 3 टेबलस्पून के अराउंड हमारी फ्रेश क्रीम या मलाई भी बोल सकते हो, जो दूध के ऊपर से निकलती है हमारी, वो हमने ले लिया है और उसको हम मिक्स कर रहे हैं विग्रेसली। मैंने बाजू में एक बोल में यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क मैंने ये मिठाई में बोल सकते हो इसको, उसमें मैंने थोड़ा दूध डाइल्यूट करके ले लिया है। इसको हम कोई परफेक्ट मेजरमेंट से नहीं ले रहे हैं, इसको मैंने एक नॉर्मल एक बोल से लिया है और उसको बाद में उसको बस मिक्स कर रहा हूँ। और मैं अभी मैंने आपको दिखाया हैंड का, जैसे मैंने मूवमेंट दिखाया, आपको जोर जोर से स्क्वीज नहीं करना है इसको, बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको नीड करके इसका डो फॉर्म करने का। एक अगर आप इसको जोर से नीड करोगे तो इसका पूरा ऑयल निकल आ जाएगा। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। जैसे जैसे ये पूरा देखो, अब इसका टेक्सचर देखो, जैसे ये बाइंड हो रहा है तो मतलब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। सो अब मैंने यहाँ पे घी लिया है, देसी घी, और उसके बाद मैं देसी घी को थोड़ा सा मिक्स करके पूरे हाथ से मिक्स करके डो के ऊपर पॉलिश कर दूंगा। और अब ये 1 टेबलस्पून जो हमारे डब्बे आते हैं, वो उतना टेबलस्पून लेके मैंने उसको जस्ट फुल करके, और उसके बाद मैंने बस इसका लड्डू फॉर्म किया। और इससे आपके एकदम सिमिलर साइज के लड्डू बनेंगे। आपको चाहिए तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, और आपको कोई कलर चाहिए तो कलर भी डाल सकते हो। सिमिलरली हम सारे लड्डू बना देंगे। और एक बादाम का फ्लेक्स है जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट स्लाइसर से बनाया है, सो वो लगा देंगे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस